अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये एक जादूगर है, अपने मुंह में पानी ले रहा है और एक घास के टुकड़े के ऊपर पानी डाल रहा है। दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है कि इस घास के अंदर कोई इंसान छुपा है, लेकिन इन जादूगरों का कहना है कि इसके अंदर कोई शख्स नहीं छुपा हुआ है। और पब्लिक को यकीन दिलाने के लिए ये लोग कुछ इस तरह से इसको काट कर भी बताते हैं। हर साल की तरह इस साल भी वेस्ट अफ्रीका में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे जांग बीटो कहते हैं। और जब फेस्टिवल खत्म भी होता है, ये जो घास का ढेर आपको नजर आ रहा है, इसको ये लोग आग भी लगा देते हैं और ये पूरी तरह से जल जाता है और इसके अंदर कोई इंसान नहीं निकलता। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि ये लोग किस तरह से एक घास के ढेर को नाचने पे मजबूर कर रहे हैं। यही चीज को देखने के लिए हर साल की तरह इस साल भी लोग जमा हुए हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से जादूगर इस चीज को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज किस तरह से काम कर रही है, इस चीज को समझने के लिए हमारे पास दो तरह के सिनेरियो है। और जो ये लकड़ी के ऊपर घास बनी गई है, ये पब्लिक के सामने बनी जाती है, यानी कि तमाम लोग सामने खड़े होते हैं तभी ये लोग घास बनते जाते हैं लकड़ी के ऊपर। और पहले केस में ये हो सकता है कि घास बनते वक्त एक शख्स चोरी छुपे इसके अंदर दाखिल हो जाए, लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैंने तो देखा कि कोई इसमें दाखिल नहीं हुआ, बल्कि खुद ब खुद ये काम कर रहा है। और जब इस जांग बीटो को उठाया गया, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक छोटा सा पुतला बाजा बजा रहा है। जब खेल खत्म होने के बाद ये पुतले को लोग देखते हैं तो इसके सामने अपनी मन्नतें रखते हैं, अपने मुरादे रखते हैं। अब ये छोटा सा पुतला जो काम कर रहा है, हो सकता है कि इसके अंदर कोई मैकेनिकल स्टफ मौजूद हो, और अगर ये खुद से काम कर रहा है तो इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कुछ किसी का नहीं बिगाड़ सकता। मुश्किल से तो इसका हाथ हिल रहा है, क्या ये लोगों की मुरादें पूरी करेगा? पहले सिनेरियो के बारे में तो हमने आपको बता दिया, और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि जिन्नात आकर इस पुतले को रख जाते हों, और बाजा बजने पर इस तरह से गोल गोल कौन घूम सकते हैं शयातीन के अलावा। और जिस वक्त ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, दुनिया का खतरनाक जादू भी ये लोग करते हैं, जिसका नाम है वूडू। और जो जादू करने वाला है वही इस तरह से घास के ऊपर पानी डालते रहता है, मंत्र पढ़ता है, उसके बाद में ये हिलना शुरू होता है। हो सकता है कि 99% ये जो हो रहा है फेक हो, लेकिन अगर हकीकत की बात की जाए, अगर इसमें थोड़ी भी हकीकत है तो ये लोग जिन्नात को बुला रहे हैं, उसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। और हदीस में भी एक ऐसे ही दिखने वाले शख्स का जिक्र आया है, जिसका नाम है अल जस्सासा। हजरत तमीम अद्दारी रजी अल्लाह अन्हु एक बार सफर पे निकलते हैं बोट पर, लेकिन अचानक से समंदर में तूफान आ जाता है और बोट पर मौजूद थे 30 लोग, और ये लोग रास्ता भटक जाते हैं, एक महीने तक समंदर में भटकते हैं। उसके बाद उन्हें एक आइलैंड मिलता है, उस आइलैंड के ऊपर वो लोग उतर जाते हैं। और जब आइलैंड के ऊपर खाना ढूंढने के लिए अंदर जाते हैं, तभी उन्हें एक शख्स नजर आता है जिसका नाम था अल जस्सासा, और सर से पैर तक उसके ऊपर कुछ इस तरह से बाल थे जिस तरह से यहाँ पर हमको नजर आ रहे हैं। और वो जासूस तमाम शिप वालों को कहाँ ले जाता है? दज्जाल के पास ले जाता है। अभी जो जांग बीटो सेलिब्रेट किया जा रहा है, नाइजीरिया के बाजू एक कंट्री है जिसका नाम है बेनिन। घाना, नाइजीरिया, टोगो में भी ये सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन जो हमने आपको वीडियोस बताया वो बेनिन के वीडियोस है। और ये बेनिन का भी थोड़ा सा इलाका यहाँ पर हम देख सकते हैं समंदर में मिल रहा है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हो ना हो इनके जो पूर्वज है किसी ना किसी ने दज्जाल से मुलाकात की होगी, अल जस्सासा से मिले होंगे, इसी वजह से वो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हदीस में जो अल जस्सासा का डिस्क्रिप्शन आया है, सेम डिस्क्रिप्शन इसको मैच हो रहा है कि एक जानवर जिसके लंबे और मोटे बाल थे, जिसे देखकर ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इसका फेस कहाँ पर है और इसका बैक कहाँ पर है। और जो जांग बीटो यहाँ पर नजर आ रहा है, इसको भी देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसका फेस कहाँ पर है, पीठ कहाँ पर है। लेकिन काफी सारे लोगों को इल्म नहीं होता, जिसके चक्कर में यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग किस तरह से जांग बीटो को सजदा कर रहे हैं, और एक घास के पुतले को देखकर ये लोग शिर्क में मुबतला हो रहे हैं। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग अल जस्सासा की कॉपी बनाकर उसकी ही बात कर रहे हैं। तो आप लोग क्या राय, इससे मुतालिक कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।